एमवीए में उद्धव ठाकरे को घुटन महसूस हो रही है। वजह ये कि उद्धव ठाकरे को सीएम कैंडिडेट घोषित करने से शायद शरद पवार और कांग्रेस नेता दोनों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। बात इतनी ही है, शरद पवार अपने पोते रोहित पवार को सीएम बनाने के जुगाड़ में लगे हैं, तो कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने और अपना सीएम बनाने की कोशिश में। हाल ही में कांग्रेस के बालासाहेब थोराट से लेकर पृथ्वीराज चव्हाण तक ने कांग्रेस सीएम का दावा किया। मतलब कि सीएम पद को लेकर एमवीए की सहयोगी पार्टियां उद्धव ठाकरे के पक्ष में नहीं है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। उनका प्लान भी बीजेपी को फिर से साधने का है और इसी वजह से उन्होंने पहले संजय राउत को रात के 2 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए भेजा और फिर खुद उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के साथ मातोश्री में लंबी बैठक की। इस खुलासे के बाद एमवीए में हड़कंप मच गया और इन नेताओं की गुप्त मुलाकात का दावा वंचित बहुजन अघाड़ी ने किया। पार्टी ने दावा किया कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई। साथ ही पार्टी ने यह भी दावा किया कि राज्यसभा सांसद संजय राउत भी दिल्ली में भाजपा चीफ जगत प्रकाश नड्डा से मिले थे। हालांकि इसे लेकर दोनों ही दलों ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। वंचित बहुजन अघाड़ी के मुख्य प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकले की तरफ से एक वीडियो मैसेज जारी किया गया। मोकले का दावा है कि राउत ने 25 जुलाई को रात 2 बजे जेपी नड्डा के साथ 7D मोतीलाल मार्ग पर मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद 5 अगस्त रात 12 बजे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मातोश्री गए और अकेले ही गए थे। दोनों के बीच 2 घंटे तक बैठक चली। उन्होंने कहा कि इसके बाद 6 अगस्त को ठाकरे दिल्ली गए। मोकले का कहना है कि ठाकरे को साफ करना चाहिए कि दिल्ली के दौरे पर उनके साथ कौन था, वहां उन्होंने किस से मुलाकात की। वीबीए प्रवक्ता का कहना है कि हमें जो जानकारी मिली है उसे हम जनता के सामने रख रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि राज्य में जो आरक्षणवादी मतदाता हैं वो जानते हैं कि भाजपा और उसके सहयोगी आरक्षण के विरोधी हैं, लेकिन इन आरक्षणवादी मतदाताओं ने शिवसेना के उम्मीदवारों और उद्धव ठाकरे को वोट दिया है। उन्होंने कहा कि 5 सालों की राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए अगर कल को राज्य में कोई प्रतिकूल घटनाएं घटती हैं तो हम इसलिए ये जानकारी साझा कर रहे हैं ताकि आरक्षणवादी मतदाता खुद को ठगा महसूस न करें। और खास बात ये कि वीबीए की तरफ से दावा ऐसे समय पर किया गया जब राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जारी हैं। शिवसेना, भाजपा और डिप्टी सीएम अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी जल्द ही सीट शेयरिंग फार्मूला तय होने का दावा भी कर रही है। पहले खबरें थीं कि वीबीए विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।